हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज आपके साथ में मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ अपने मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट का, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सच में वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप डॉट एंड घी के प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद करते हो तो, बिकॉज़ ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। इसके कुछ अमेजिंग रिजल्ट और यूज़ कैसे करना है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। सो गाइज, पहले बात करते हैं ब्रांड ने इसके ऊपर क्या क्या मेंशन करा है, उसके बाद हम बात करेंगे कि रिजल्ट कैसे देता है। ये डॉट एंड की स्किन केयर ग्लो रिवीविंग विटामिन सी पिंक क्ले मास्क है। इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव होता है। 85 ग्राम की इसमें क्वांटिटी है, और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 550 रुपीज इसकी MRP है, और शेल्फ लाइफ इसमें पूरे 3 इयर्स की मिल जाती है। क्वांटिटी मुझे प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा ठीक लगी इनकी, और शेल्फ लाइफ इन्होंने बहुत अच्छी दी है पूरे 3 इयर्स की। अगर आप डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो आपको पता ही होगा डॉट एंड की के सभी प्रोडक्ट पैराबिन फ्री, क्रूल्टी फ्री एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। इनर पैकेजिंग की बात की जाए तो इस तरह के जार में आपको रिसीव होता है क्यूट से, जैसे कि डॉट एंड की सभी जो क्रीम मॉइस्चराइजर्स होते हैं, फेस मास्क और हेयर मास्क होता है ना, सब ये वाले जार में आते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है इनकी पैकिंग। और जार के पीछे आपको इनकी शेल्फ लाइफ वगैरह मेंशन मिल जाती है, और ये जार ना प्लास्टिक का नहीं है, पूरा ग्लास का बना हुआ है, जो कि मुझे काफी ठीक लगता है। क्यूट के साथ साथ इन्होंने क्वालिटी भी अच्छी दी है पैकिंग की। इसके साथ ही स्पैचुला भी रिसीव हो जाता है, जो कि डॉट एंड की के सभी मॉइस्चराइजर फेस मास्क के साथ रिसीव होता है। यहाँ पर आप मेरे फेस मास्क की क्वांटिटी देख सकते हो, काफी यूज कर चुकी हूँ मैं, उसके बाद मैं इसके रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसके कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको ककाडू, प्लम, एसरोला, चेरी, नियासिनामाइड और विटामिन सी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत बेनिफिट देते हैं। ये रेड क्ले मास्क है तो ऑब्वियसली इसका टेक्सचर भी रेड कलर में ही है, और इसके टेक्सचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पहली बात ये ना, छोटी सी क्वांटिटी लो पूरे फेस पर लग जाता है, ज्यादातर फेस मास्क होते हैं वो ज्यादा ही क्वांटिटी में लग के लगते हैं, लेकिन इसकी यही खासियत है छोटी सी क्वांटिटी बहुत अच्छे से लग जाता है, जब भी मेरा इतना ज्यादा बचा हुआ है अभी, वरना मैं पूरा यूज कर चुकी होती है अभी तक जितना मैंने इसको लगाया है। दूसरी बात, जो इसका टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज्यादा बटरी, एकदम सॉफ्ट है, मतलब इसमें कोई भी पार्टिकल्स भी आपको ऐसे महसूस नहीं होगा लगाते हुए, बहुत ही ज्यादा एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है इसका टेक्सचर। भाई, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करती हूँ मैं। वैसे जो नॉर्मली फेस मास्क यूज करते हैं आप वैसे यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। सो गाइस, मैं फेस वॉश करने के बाद डायरेक्टली इसको अपने फेस पर लगा लेती हूँ। आप चाहो तो फेस वॉश करने के बाद पहले स्क्रब वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो, वरना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको स्किन पर लगाने के बाद 20 मिनट तक आपको छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए ना तो रोज वाटर या फिर किसी भी टोनर से अच्छे से स्किन को मतलब गीला कर लेना, या फिर नॉर्मल वाटर से ही कर लेना। जब आपकी स्किन अच्छे से गीली हो जाएगी उसको अच्छे से फिंगर की हेल्प से मसाज करना है। उससे क्या होगा ना, आपकी नेचुरली स्किन ना एक्सफोलिएट होगी, और आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट है, टैनिंग है, वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको डायरेक्टली वॉश नहीं करना है, पहले आपको कॉटन पैड या फिर कोई भी कॉटन का फैब्रिक ले लेना है, उससे अपनी स्किन को ऐसे रब करके हटाना है फेस मास्क को। उससे क्या होगा ना, आपकी स्किन से जितने भी जो डर्ट है और जितने भी आपकी स्किन पर टैनिंग वगैरह है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिमूव हो जाएगी। मैं ऐसे ही इसको यूज करती हूँ और मुझे रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कमाल के लगता है। मतलब जब भी मुझे अपनी स्किन पर लगता है मेरी स्किन पर टैनिंग हो गई है और मेरी स्किन डल लग रही है, तो मैं इसी तरह से इस वाले फेस मास्क को यूज कर लेती हूँ, और मेरी स्किन पे से पूरी टैनिंग निकल जाती है। स्किन काफी मतलब क्लियर लगती है और काफी ग्लोइंग लगती है। इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, तो स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड ग्लोई बना देता है, और ये मतलब जो एक्सेस ऑयल है ना उसको भी रिमूव कर देता है। तो इसको ऑयली एंड ड्राई दोनों ही यूज कर सकते हैं, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेगनेंस नहीं है, मतलब जितने भी जो भी इसमें फ्रेगनेंस आती है ना वो ऐसे इंग्रेडिएंट जो है इसमें उसी की फ्रेगनेंस आती है, कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है, या फिर कोई ऐसे फ्रेगनेंस नहीं है जैसा लगे कि परफ्यूम वगैरह कुछ लगा लिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत ही नेचुरल फ्रेगनेंस है, तो सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, सभी इसको यूज कर सकते हैं, और इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। आपकी स्किन पर टैनिंग हो जाती है या फिर आपकी स्किन डल लग रही है, आप इसको विंटर्स में, समर्स में सभी मतलब यूज कर सकते हो। मुझे तो मतलब ये फेस मास्क बहुत अच्छा लगता है। अभी तक मैंने मामा अर्थ के और भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे फेस मास्क यूज करे हैं, बट ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, सच में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आप इसको नायका इनकी ओरिजिनल वेबसाइट कहीं से भी परचेज कर सकते हो। मैं ज्यादातर इसको डॉट एंड की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहीं से ऑर्डर कर लेती हूँ जब इनकी बाय वन गेट वन सेल आती है या फिर कोई भी ऑफर आता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं कूपन कोड भी मेंशन कर दूंगी, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना, और ये फेस मास्क आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। सो गाइज, इस फेस मास्क के बारे में जितने पॉइंट्स थे मैंने सभी को कवर अप कर दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो बनाई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इतने बाय, गुड लक।